हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरी मेरी गुड इवनिंग, क्योंकि ये गुड इवनिंग का टाइम है और पहले से मेरी तबीयत अच्छी है, क्योंकि उधर बीच मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और बेटी की सबसे ज़्यादा ख़राब थी, उसके बाद मेरी हुई, फिर बाबू का हो गया, मतलब सभी लोग बीमार हो गए। तो मैंने सोचा आज ब्लॉग बनाते हैं, बहुत दिनों बाद मैं शूट कर रही हूँ। वैसे मेरे पुरानी ब्लॉग जो मेरी वीडियो मतलब मेरे मोबाइल में थे वही मैं शेयर कर रही थी, ऐसे अदरवाइज मेरे ब्लॉग नहीं जा रहे थे। तो फिर मैं शूट भी नहीं करती थी क्योंकि काम ज़्यादा होता, अगर आप कहीं काम करते हो जाना होता है डेली तो नहीं टाइम मिल पाता, तो मुझे भी नहीं मिल पाता ब्लॉग शूट करने का। और मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल ज़िंदगी कोई बहुत ज़्यादा जाने या देखे, कुछ भी नहीं, क्योंकि तरह तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कौन कैसा मुझे खुद भी नहीं पता। तो देखिए मैं क्या बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आज इडली। और पहले मैं आपको दिखा दूँ मैंने क्या क्या किया है जल्दी जल्दी में। ये मैंने सूजी जो है 20 मिनट पहले जो है दही में फेंट लिया है, थोड़ा सा पानी डाला और दही डाला है। जैसे एक कप सूजी है तो आधा कप आपको दही इसमें डालनी है और पानी डालना है, जितना मतलब गाढ़ा आपको क्वांटिटी चाहिए उसी हिसाब से आप मिला लो। थोड़ा सा आपको स्वाद के अनुसार नमक मिलाना है। और यहाँ पे मैंने टमाटर की चटनी बनाऊँगी, मैं वो नहीं बनाऊँगी, क्या कहते हैं सांभर। तो ये है टमाटर और ये हरी धनिया का डंठल है, लहसुन है, प्याज है और ये है लाल मिर्चा कुछ, और ये है राई। और उसके बाद जो है तड़के के लिए इसी में मैं डालूँगी, ये ऐसे मैंने रख दिया है स्लैब पे। और ये तड़के के लिए मिर्चा मैंने रखा है और ये राई मतलब सरसों रखा है मैंने, ये करी पत्ता रखा और ये दाल, इसमें से थोड़ा सा मैं ऐसे इतना तड़के के लिए डालूंगी, इतनी दाल खाली, और इतना मैं चटनी में डाल दूंगी, इतना तड़के में जाएगा इतना चटनी में जाएगा। तो चलिए जो है बनाते हैं। स्टैंड मैंने नहीं लगाया है तो बस ऐसे ही आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। मिर्चा डालने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज, इस टाइम में लगा लिया होता तो बहुत अच्छा होता मुझे लग रहा। साथ ही साथ हम डाल देंगे इसमें लहसुन भी, ये लहसुन की कलियां भी है इसमें आप देखो। अब इसको अच्छे से चलाएंगे, गैस का फ्लेम मैंने एकदम धीमे रखा है। प्याज को आपको थोड़ा सा ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा करना है, नहीं तो इसमें जो मीठापन होता है ना वो चला जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। वैसे मैं बहुत दिन बाद इसको बना रही हूँ, कम से कम 2 साल बाद बना रही हूँ, पहले मैं बनाई हूँ, कई बार बनाई हूँ और आप मेरी वीडियो में भी जा सकते, पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो पता नहीं कैसा बनेगा मुझे तो नहीं पता, पर शेयर कर दे रही हूँ। और आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। और अब डाल देते हैं इसमें चना दाल, ये भुना हुआ चना दाल है, अभी मैंने इसको तवे पे भुना है और ये इसमें जाएगा। इससे क्या होता है ना फ्लेवर थोड़ा और हटके आता है, ऐसे टमाटर की खाली बनाओ तो भी फ्लेवर आता है, पर चना दाल डालने से और अच्छा फ्लेवर आता है। आप इससे जगह पर मूँगफली डाल सकते हो, मूँगफली का छिलका उतार के फिर डालें, ऐसे छिलके सहित मत डालें क्योंकि ये तो ऐसे कालापन आएगा और थोड़ा कर्च मारता है छिलका, और पुरानी मूँगफली का बिल्कुल भी ना बनाए, है ना। ये देखो इसको मिला लेते हैं, इसमें मैंने दाल डाल लिया है बिल्कुल, अब ये हल्का सा ब्राउन हो गया। और ये मेरी कढ़ाई की क्वालिटी ना काफ़ी ख़राब, इसको रगड़ते 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 मेरी हालत ख़राब हो जाती है,
ये देखो आज मैंने क्या किया, इससे रगड़ डाला लोहे वाले से, हेवी वो जस की तस पड़ी है, सारे बर्तन चमकते हैं पर कड़ाही, हे भगवान मैं इससे पीड़ित हो गई हूँ एकदम से। बर्तन मैं खुद ही मांजती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ मैं खुद ही, घर का सारा काम करती हूँ, बाहर का भी देखती हूँ, घर का भी देखती हूँ, बच्चों को भी देखती हूँ, और बस ऐसे ही लाइफ चल रही है। तो अब देखिए ये ब्राउन हो गया हल्का हल्का, तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर और जो धनिया का डंठल था उसको डालेंगे। आराम आराम से आपको करना है, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना, गैस का फ्लेम जो है तेज नहीं रखना है, और इसको मिला देंगे। अब जो है गैस का फ्लेम आपको एकदम धीरे कर देना है, और इसको नमक डाल के स्वादानुसार नमक डाल के इसको आपको 5 मिनट के लिए ढकना है। 5 मिनट बाद आपको चेक करना है कि मतलब ये टमाटर गल रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, कि जले ना, ये भी चेक करना है आपको, ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो नमक डाल देते हैं और मैं मोबाइल कहीं टिका देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालिएगा आप अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। बहुत अच्छी चटनी बनके तैयार होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप जो है नहीं बनाना चाहते हैं सांभर, तो चटनी से भी खा सकते हैं। अब मैं इसको ढकूंगी 5 मिनट के लिए, टमाटर पानी छोड़ देगा, और इसके पानी को पूरा नहीं रखना है, थोड़ा सुखा भी देना है, कम से कम इसको मिनिमम 8 से 9 मिनट या 10 मिनट पकाना है, धीमी ही आंच पे पकाना है, और जब पानी एकदम थोड़ा सा रह जाए इसको ठंडा करके फिर पीस लेना है, आपकी चटनी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद जो है मिर्चा और चने की दाल और राई, सरसों जो होता है, और करी पत्ते से इसको तड़का देना, बस यही करना, ज़्यादा कुछ करना है। मैंने 8:15 बजे इसको घोल के रखा था, और कितना बज रहा है मुझे पता नहीं। बिट्टी कितना टाइम हो रहा, हाँ अच्छा अभी 8:37 हो रहा है, और 8:15 बजे को मैंने रखा था। अभी 5 मिनट इसको ऐसे रहने देती हूँ, तब तक मैं बर्तन निकाल के और पानी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि वो भी हीट होना चाहिए, तुरंत उसमें इनो डाल के जो है इसको चढ़ा देना है, रखना नहीं है इनो डालने के बाद, नहीं तो वो आता नहीं है, बनता नहीं है अच्छे से। तो इसको अभी रखते हैं और बर्तन चढ़ा देते हैं। वीडियो को मैं पॉज कर रही हूँ क्योंकि बर्तन मुझे निकालने हैं धुलने। मैंने चढ़ा दिया है पानी, और अब बर्तन बिटिया धुल के गई है, थोड़ा सा ऐसे बस पानी डालना था, वैसे बर्तन साफ थे। और ये है रिफाइंड, इन बर्तनों को अच्छे से पोंछ के, ये देखिए मेरे पास छोटी छोटी कटोरियां हैं, मैं उसका भी यूज कर लूंगी।
रिफाइंड लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा लगाना, बहुत ज्यादा नहीं लगाना। आज संगीता कर रही है कलाकारी। और जो बैटर बच जाएगा मैं कटोरियों में रख दूंगी, क्योंकि दो बार में मनी बनाऊंगी तो गैस ज्यादा लगेगा। इस वजह से ये देहाती स्टाइल है। तेल लग गया है और हम चेक कर लेते हैं अपने टमाटर। परफेक्ट एकदम हो गए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पानी वानी बिल्कुल नहीं है, एकदम गल गए। मैं दिखा दूँ आप लोगों को कैसे रखना है। ये देखिए आप, देखिए इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से। अब इसको गैस बंद कर देंगे हम और इसको छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए, क्योंकि ये इसी में ठंडा हो तो इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। और उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे और हमारी चटनी बनके तैयार हो जाएगी। इसको ढक देते हैं। और इधर देखिए, मैंने इन सब में तेल लगा दिया है और ये हमारा पानी है, देखिए बॉयल हो गया। इस पर हम चढ़ा देते हैं। इसमें डाल लेंगे इनो, बेटू इनो पीना है, इनो लो जल्दी आ जाओ। हेलो बोल दो ऑडियंस को, हेलो बोल दो, हेलो ऐसा तो बोलो, मुंह तो दिखाओ अपना। हेलो ये थोड़ा सा मोटा है ना, लेकिन ठीक है, ज्यादा इसको भरना नहीं है क्योंकि ये दुगना फूल के पूरी होता है, उतना ही रखना है हिसाब से। इनो डाल के तुरंत इसको चढ़ा देना होता है, क्योंकि इनो से मतलब खोलता है, इसमें जाली बनती है। मेरे को हंसे कैसे बता रही हो। कैसे बता रही हो, मम्मी उल्लू है ना, आज पता चला, पता चल गया। देख लो आप लोग सुन रहे हैं कि इनको क्या कह रही है ना, विक्टोरानी हमको उल्लू बना रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, तो भी मैं डाल दो है ना, तो कितनी बार बनाएंगे, कितना गैस लगेगा।
कटोरी है छोटी छोटी, तुम चढ़ा मत दो। चढ़ाने कौन जाएगा, मुझे इडली पसंद नहीं है। बस ओके ओके हो गया, उसको चढ़ा देते हैं। जय माता दी। यहाँ पे एक निशान लेता ये हो जाएगा कटोरी वाला, मुझे पता हो जाएगा। अब कटोरी में उसी को कटोरी घुसाने थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाओ। के पास है ही नहीं जलाए यहाँ से। देख लो आप लोग, सुन लो, मिट्टू कहती है मेरे पास दिमाग नहीं है। देखो मैंने क्या किया था, थोड़ा सा लगा मैंने किया क्या था। हो गया तो को बता। हो गया हाँ नहीं हो गया हाँ दिखा दिया। ये देखो मैंने कटोरी वाली भी चला दी इसी में, और नीचे थी मेरी स्टैंड भी लगे। अब इसको हम ढक देंगे, लिंग हो गया तुम्हारा मीडियम आंच पे 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में अच्छे से हो जाता है, ढकेगा ही नहीं। अच्छा अच्छा सही से ढक नहीं, इसीलिए तो ये हंस रही थी। अच्छा इसको इसको निकाले तो देखते हैं। ए मम्मी ओ ओ ओ हो गया। अच्छा तभी तो हंस रही थी, वो चालू है कटोरी ऊंची पड़ी और वो ढक नहीं रही, अब मुझे ये ध्यान नहीं था। अब ढका जाएगा बेटे, हो गया। देखो अब इसको 15 मिनट ढकना है, 15 मिनट बाद आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कैसा बना है, और तब तक हम लोग चटनी भी पीस लेंगे और तड़का लगाते टाइम आपको दिखाएंगे। ये हमारी चटनी है, अब ये ठंडी हो गई है तो इसको पीस लेते हैं। ये देखते हैं गिरो ना भैया, तो है ये मैं आप लोगों को पीस के दिखाती हूँ। आप लोग ये देखिए हमारी चटनी बनके हो गई है तैयार, बस इसमें तड़का मारना है। देखिए जब हम छौंका लगाते हैं उसके बाद जब राई डालनी होती है और करी पत्ता डालना होता है, उसके बाद उसको गैस से हटा देते हैं छौंके को, नहीं तो राई एकदम जल जाती है और उसका स्वाद पता ही नहीं चलता और करी पत्ता भी एकदम जल जाता है। तो पहले से मतलब गैस बंद कर दें, उसके बाद उसको मिलाने काफ़ी अच्छे तक, जब तक तेल गर्म है ना वो अच्छे से वो पक भी जाता है और उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छे से आता है, स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इस छौंके को हमने जो है चम्मच के नीचे इसमें डाल लिया है चटनी में, और इसको जो है अब इसमें मिला देंगे काफ़ी अच्छे से। और हमारी इडली भी लगभग हो चुकी है, क्योंकि 15 मिनट लगभग होने वाला था और 18 मिनट में हमारी इडली एकदम बन के तैयार हो गई थी, और काफ़ी 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 अच्छी थी। दोस्तों ये हमारी इडली और चटनी,
हम लोग खा लिए, वीडियो एंड करने का मतलब मैं भूल गई। और इस तरीके की बनी थी, ये देखिए स्पाइसी है और चटनी भी काफ़ी अच्छा था। आप लोग भी बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और बस इतना सा मेरे में इतना बचा। हम लोग खा चुके हैं, हम मुझे याद नहीं था वीडियो एंड करना है। तो बस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू।